एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद इस तरीके से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मतलब सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह का टाइम है। 8 बज चुके हैं या बजने वाले होंगे। खुशी भी अभी भी निकली है और दोनों बच्चे भी जा चुके हैं। वो 7:15, 7:20 तक निकल जाते हैं, जैसे भी उनका रहता है। आज 5-10 मिनट लेट हुए हैं वो, क्योंकि तन्मय को लास्ट टाइम पे वॉशरूम जाना था, तो इस वजह से। तो आज बनी थी सुबह में नाश्ते में भिंडी, तो इसीलिए मैंने सुबह से शुरू नहीं किया, क्योंकि जो लास्ट टाइम भी मॉर्निंग में व्लॉग कंटिन्यू किया था मैंने, 2 दिन का था वो, उसमें भी भिंडी बनी थी। तो मैंने कहा फिर भिंडी भिंडी भिंडी, कि इस बीच और चीज़ें भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर वही है ना कि भिंडी होती है और टिफिन के लिए ऑप्शन, या सूखे आलू होते हैं, या पनीर की भुर्जी होती है, या फिर अरबी होती है सूखी, कटहल भी ले जा लेते हैं। ज़्यादातर तो सूखे आलू सूखे आलू सूखे आलू यही रहता है। और होते हैं देखो ऑप्शंस, आप चीला दे दो, या ब्रेड पकोड़ा दे दो, पकोड़े दे दो, ये वगैरह का भी ऑप्शन होता है कि भरवा पराठे दे दो, पनीर के दे दो, आलू के दे दो। लेकिन गुड्डू परांठों के लिए तो बिल्कुल मना करती है, कि बहुत अजीब से हो जाते हैं, बहुत अजीब से, मम्मी गिलगिले से। और मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, अभी डालूंगी, क्योंकि मैंने कल शाम में सर धोया था तो मैं सिंदूर नहीं डाला था। कितना अजीब लगता है ना, तो अभी डालूंगी, जबकि सर धोते ही डाल लेना चाहिए, मैं भूल गई। चलो फिर, अपना ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं बैठ के यहाँ पे लहसुन प्याज छील रही हूँ, आराम से बैठ करके। लहसुन छीलने में मेरे को थोड़ा सा आलस आता है, तो किचन में खड़े होने के बजाय मैंने कहा चलो यहीं बैठते हैं, वीडियो देखते हैं। और अभी झाड़ू भी नहीं शुरू हुआ, झाड़ू शुरू होने वाला था तो मैंने कहा चलो फटाफट फटाफट लहसुन कर लेते हैं, क्योंकि नया किचन में बर्तन वगैरह कर रही थी तब तक, तो किचन भी आराम से साफ हो जाएगी, उसको भी मिल जाएगा। क्योंकि मन होता है ना, हम अकेले काम करें, दूसरा बंदा फिर उसको इधर से हटाओ उधर से हटाओ, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ लेके बैठ गई थी, तो ये बस लहसुन भी हो गया है मेरा लगभग लगभग, प्याज तो मैंने सारे कर ही लिए हैं। और मैं यहाँ पे साइड में फ़ोन देख रही थी। आजकल ना मुझे पिछले 5-6 दिन से मुझे चाव चढ़ गया है वीडियो वो वाले देखने का, इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट ये वो, तो वो देख रही थी और ये उतार रही थी ऊपर से किचन में आके ब्लेंडर, ये चॉपर, तो इसका ब्लेड ना सीधा मेरे माथे से आँख पे लगा। अगर चश्मा ना होता तो क्या पता आँख में अंदर लग जाता, पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ लगा नहीं ब्लेड, जबकि बहुत तेज़ होता है इसका। गलती तो मेरी है, स्टूल लेके नहीं उतार रही थी, बन रही थी ऐसे ही कि ऐसे उतार लूँगी, उसको खिसका खिसका के उतार रही थी, वो गिर गया और टूटा नहीं, ये भी शुक्र है। तो बस जो मैंने प्याज वगैरह कट करके रखे थे, कट क्या छील करके रखे थे, वो मैं यहाँ पे धो वो के इसमें डाल लूँगी अब, और बस इसको चॉप कर लूँगी। इसमें देखती हूँ अदरक भी डालती हूँ कि नहीं, अगर हुआ तो, क्योंकि आजकल अदरक मैंने बंद कर दिया है। गर्मी है, अब मई शुरू हो चुका है, अब अदरक वदरक मैंने कहा छोड़ो, अब अदरक मंगाएंगे भी नहीं। और मैंने मिर्च भी डाल ली है इसमें, तो मिर्च हो गया है, लहसुन हो गया है, प्याज हो गया है, अदरक था ही नहीं, मैं चेक कर लिया था। तो बस इसको कर लूँगी मैं चॉप, और उसके बाद मैं बनाने लगूँगी सब्जी। अब मैं वहाँ जाऊँगी शॉप पे, तो फिर मैं क्या करूँगी कि सब्जी रोटी वगैरह ये सब बना कर जाऊँगी, जो सलाद वगैरह काट के रखना है या रायता बना के रखना है वो सब मैं करके जाऊँगी। और इस तरीके से काम बढ़िया हो रहा है, बस घर पे यही तो था कि एक रूटीन नहीं बन पा रहा था, जो वहाँ पर मेरा बन चुका है डेली का। और मैं आपको किसी दिन बैठ करके बताऊँगी, जो मेरे शुरू के 2 से 3 दिन थे, बहुत मैं बताऊँगी किसी दिन बैठ करके, क्या आप सुनना चाहते हो मुझे क्या चीज़ें हुई। और अभी हाल फिलहाल में भी एक चीज़ हुई है, तो चलो बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे मैंने जो चॉपर किया था प्याज लहसुन हरी मिर्च, वो मैंने तेल गर्म होने के बाद, हींग जीरा डालने के बाद उसमें डाल दिया है। तो इसको जो है मैं कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि ब्राउन ब्राउन ना हो जाए तब तक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, टमाटर भी मैं चॉपर में करके ही डालूँगी। तो यहाँ पे प्याज वगैरह हो चुका था, जब तक थोड़ा ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाता ना, गोल्डन से ज़्यादा जो होता है वो वाला मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया चॉप करके, और टमाटर तो उसमें भी लगा रह जाता है काफ़ी सारा, तो उसको भी मैं अभी पूछूँगी। तो बस सारा पहुँच के डाल दूँगी इसमें, और फिर मैं मसाले डालूँगी इसमें। कई बारी जब प्याज हो जाता है मैं टमाटर से पहले भी मसाले डाल देती हूँ, कई बारी टमाटर डालने के बाद भी डाल देती हूँ, तो दोनों तरीके से मैं कर लेती हूँ, कोई एक तरीका नहीं है कि बस मैं इसे ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब जो है नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मसालदानी में हल्दी थी हल्दी डाल रही हूँ, बाकी मसाला मसालदानी में नहीं है, क्योंकि मैं मसालदानी खाली कर रही हूँ, फिर वो साफ़ हो जाएगी। जैसे ही मसाले 2 बार भरने के बाद, मैं 3री बार नहीं भरती मसालदानी में, उसके बाद वो सीधी वॉश होती हैं।
तो यहाँ पे फिर मुझे डब्बे उतारने पड़ रहे थे, तो एक एक दो दो चीज़ डाल के फिर मैं साथ के साथ मिलाए जा रही थी। मैंने रंग वाली लाल मिर्च भी डाली इसमें, और जो तीखे वाली होती है थोड़ी सी वो भी डाल दी, क्योंकि हरी मिर्च है। और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ स्पेशल, आज बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। अब पनीर की सब्ज़ी है तो थोड़ा सा गर्म मसाला, रंग वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा, ये सब जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, मैं क्रीम मलाई ये सब नहीं डाल रही हूँ, ना ही मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। पहले मैं सोच रही थी सुबह में काजू भिगो देती हूँ, मगज़ के बीज भिगो देती हूँ और खड़े मसाले चेक कर लेती हूँ है कि नहीं है। तो पर मैंने कहा पनीर की ना बहुत ही स्पेशल सी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन बनाते बनाते मैंने सोच लिया कि नहीं, सिंपल वाली बनाऊंगी, कुछ भी नहीं तामझाम करती हूँ। गर्मी बहुत है और ना क्रीम मलाई कुछ डालूंगी, ना घी मक्खन कुछ डालूंगी। बस क्या करूंगी, थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा ले लूंगी, क्योंकि पनीर की सब्जी है तो देखो थोड़ा वो तो जाएगा ही जाएगा। तो बस मैंने फिर जो है गर्म मसाला डाल लिया था, उसमें जीरा पाउडर वगैरह डाल लिया था, और उसके बाद मसाले हो जाने के बाद मैंने पानी डाल दिया था, मटर डाल दी थी, और उसको पकने के लिए दूसरी साइड रख दिया है। तब तक मैं क्या कर लूँगी, रोटी बना लूँगी। आटा भी गूँथ लिया था, मैंने कहा खड़े नहीं रहूँगी, किचन से सब कुछ करके निकलूँगी। अब करके भी इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर मेरे को जाना भी है, हालाँकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरा माल आना था, वो भैया पहले बोल रहे थे घर ही लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उनको शॉप का ना अभी आइडिया नहीं है, जबकि वो एक दो बार आ चुके फिर भूल जाते हैं वो भैया। एक तो वो रिक्शे वाले भैया ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो चेंज कर करके भेजते रहते हैं, तो क्या पता वो सीन भी हो रहा हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो भूल जाएँ, या तो भैया ही चेंज हो के आ रहे हैं। तो वो घर पे ही आने को बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद विपिन का फ़ोन आया कि नहीं, मैंने उनको दुकान का रास्ता समझा दिया है, वो वहीं आ रहे हैं। तो अब वो वहीं आ रहे थे, और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि अपनी दुकान भर के रखो और खाली खाली सी है। तो देखिए, रोज़ाना लाइव हो रहा है, हफ्ते में 5 या 4 लाइव तो हो ही रहे हैं, तो वो खाली हो जाता है, फिर आता है, फिर खाली हो जाता है, फिर आता है, फिर खाली हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो खाली हो ही जाता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, जो नया आ रहा है वो निकल रहा है, फिर कल कुछ और आ रहा है, फिर ऐसे करके होता रहता है। जो लोग रश्मि कलेक्शन देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता ही है नई नई चीज़ें जा ही रही हैं डेली, तो इसका मतलब ख़त्म हुए जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, और इनको मैं बना बना के हॉट पॉट में रख दूंगी चपड़ चपड़ के, फिर जब ये आएंगे दोपहर में ये लोग खा लेंगे, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। पहले जो शुरू के 2-3 दिन में बात कर रही थी ना, वो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके कर रही थी, कि बहुत अजीब सी फीलिंग थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की, मैं बता भी नहीं सकती। वो शुरू के 3 से 4 दिन मेरे कैसे कटे, मतलब बहुत अजीब सा था सब कुछ। शेयर करूँगी मैं आपके साथ, मैं ज़रूर करूँगी वो वाली फीलिंग शेयर, चाहे आप लोग बोलें या ना बोलें। तो यहाँ पे जो है गैस साफ कर रही हूँ, रोटी सब्जी सब कुछ बन चुका है। सब्जी मैं अभी आपको दिखाऊँगी, पहले मैं यहाँ पे गैस वैस साफ़ कर लूँगी। रोटी बन चुकी है, तो आटा आटा सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सारी गैस वैस साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके, फिर इस पे बर्तन वर्तन लगा के फिर देखती हूँ मैं भी खा लूँगी। नहा तो मैं चुकी हूँ, बस मैं गाउन पहन लेती हूँ, क्योंकि वो है ना अच्छा सा सूट पहन के जाना पड़ता है शॉप पे, फिर उसे पहन के रोटी बनाऊँ ना तो वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। हाँ, ऊपर से एप्रन वगैरह पहन लो तो नहीं होता है, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैं गाउन ही, जो धुली हुई गाउन मेरी एक टंगी रहती है बाथरूम पे, एक मैं निकालती हूँ, एक धुली हुई टंगी रहती है, तो मैं वही पहन लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जो है पहनी हुई है रात वाली, वो वॉश हो जाती है तो वो वाली पहन लेती हूँ रात में। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। गाउन नहीं, मैक्सी, किसी ने बोला था गाउन नहीं बोलते, मैक्सी बोलते हैं, पर कुछ लोग इसको गाउन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मटर पनीर की कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी, कोई तामझाम नहीं किया, कोई दही, कोई दूध, कोई मलाई इसमें नहीं डाली, कोई खड़ा मसाला इसमें नहीं डाला, कोई बटर नहीं डाला, क्रीम नहीं डाली, मलाई नहीं डाली, कुछ नहीं तामझाम किया। सिंपल जो घर में चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं, उन्हीं से मैंने बनाई है, और एकदम बढ़िया टेस्टी बनी है। गर्मी है ना, तो इसलिए मैं सोची थी यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा मिर्च मसाले, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे अभी याद आया कि लास्ट लाइव में मैंने ब्लू कलर के सूट में किया था, मतलब डिफरेंट था ब्लू, लेकिन था कुछ ब्लू ब्लू, और इसी सूट का दुपट्टा मैं उस सूट के साथ ओढ़ती हूँ, क्योंकि वो जो वो वाला सूट है उसके साथ येलो दुपट्टा है कंट्रास्ट में, जो कि मुझे नहीं समझ में आता वो वाला कंट्रास्ट, तो फिर मैं इसी सूट का दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। मैं ना अब अपने पर्स में कुछ चीजें रखने लगी हूँ, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, अब डेली में होती हैं क्योंकि चाहिए होती हैं, तो वो सब रखा। और ये 100 रुपये विपिन की जेब से निकले हैं, नेहा जब जींस वॉश कर रही थी तो उसमें से, तो यहाँ पर ये जो पैसे हैं मैं अपने पास रख लूँगी, ये मेरे हो गए, और इनकी मिलने की खुशी एक अलग ही होती है।
और आज जो मैंने लिप शेड लगाया है ना, ये वो वाला है जो A18 का है और जो ग्रीन कलर का होता है, जो हमारी मम्मियां बहुत लगाती थी, मेरी मम्मी तो बहुत लगाती थी, ग्रीन कलर का होता है वो, बाद में पिंक हो जाता है, तो वो लगा रही हूँ। साथ में ही अपनी डायरी डाल रही हूँ और फोन डाल रही हूँ, क्योंकि फोन तो चाहिए। अब चेन बंद नहीं होगी क्योंकि पर्स में, और मुझे पर्स चेंज करना है। मेरे पास दूसरा पर्स है जो कि एक वीडियो में दिखा था जब मैं अनीता जी के घर से आ रही थी, वो वाला भी सेम कुछ ऐसे ही कलर का है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो वाला पर्स जो है ना उसमें चेन में थोड़ी दिक्कत है तो वो ले जा नहीं सकती, तो इसीलिए ये वाला मुझे सही लगता है। बट इसकी चेन बंद नहीं होगी डायरी की वजह से, तो माई बैग इज रेडी और मैं भी रेडी। बाहर दुपट्टा है क्योंकि वो दूल्हा था तो वो सूख रहा है, तो दुपट्टा लेती हूँ, लॉक लगाती हूँ। बच्चों के लिए खाना बना दिया है, विपिन के लिए बना दिया है, सब्जी बनाई थी मटर पनीर की जो कि मैं यहाँ पे ले आई हूँ। मैं दिखाती हूँ ये यहाँ क्यों लेकर आई, क्योंकि वहाँ गर्मी हो रही थी किचन में, तो मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रखते हुए चलूंगी, तो इसलिए पंखा चला हुआ था। और यहाँ किचन के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, तो घर और ऑफिस नहीं, वर्किंग प्लेस मेरा, तो उसमें और यहाँ पे थोड़ा सा वो सेट हो रहा है, मजा आ रहा है करने में, तो चलिए चलते हैं। अच्छा चलते हैं, चलिए आप लोग भी मेरे साथ। बहुत दोपहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँ तो स्कूटी खड़ी है तो मैं चला लूँ, पर फिर पता नहीं स्कूटी कहाँ होगी और मैं कहाँ होंगी। मेरे को मन भी नहीं है। हाँ, दूसरा कमेंट आ रहा था कि छाता ले लिया करो, अब एक छाता और ले लूँ। आधी बार तो मैं चाबी भूल जाती हूँ यहाँ से आते हुए शॉप की और शॉप से आते हुए घर की, तो पता नहीं कहाँ कहाँ भूलूंगी, तो इसीलिए ऐसे ही। चलो रास्ते में बात नहीं करूँगी, पहुँच के मिलती हूँ। शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, सबसे पहले मत्था टेक रही हूँ। जोत का टाइम निकल चुका है क्योंकि मैं 12 बजे के करीब पहुंची हूँ, तो फिर उस टाइम जोत लगाना, मैंने कहा भगवान जी सो गए। हाँ, यहाँ पे पर्दा करवाना है, पर्दे के लिए खुशी को बोलूँगी, और मशीन भी अभी मेरे पास नहीं है, ताऊ जी हरों के पास है, तो मैं देखती हूँ या तो ताऊ जी को ही बोल दूँगी, वो भी बना देंगे एक पर्दा, देखती हूँ जैसे भी होता है। पता है एक दिन मैं सोचती हूँ फ्री वाले दिन यहाँ आऊँगी, काम नहीं करूँगी और यहाँ के काम करूँगी जो यहाँ के है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है, निकल ही नहीं पाते हैं। देखती हूँ, पर आगे आगे मिलेगा वो टाइम भी, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी जब। तो गुड्डू की तो इस बार, गुड्डू बोल रही थी मम्मी शायद मेरी तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी जो कि मैं, मेरे को जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे रहता है। चलो वो तो आगे का टाइम बताएगा। और यहाँ पे मैंने जो है आई, आने के बाद डस्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है और झाड़ू वगैरह लगती है डेली का, पोछा वगैरह होता है, वो सब हो जाने के बाद तो यहाँ पे जो है अभी माल खुला है और उसका जो है फ़ोटोज़ वगैरह लेना, बिल चेक करना, कौन सा बिल पेंडिंग है वो सब करना, उसके बाद हम अपना काम किया, लाइव किया, ऑर्डर किए, पैकिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद अभी टाइम था 7:30 बजने वाले हैं, तो विपिन आ चुके थे आज जल्दी, उनका काम हो गया था तो वो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने उनके साथ वॉक की थी बराबर वाली जगह में, फिर मैंने कहा बंद करते हैं, चलते हैं अपने घर, बच्चों के पास चलते हैं। तो यहाँ पे बस शटर वटर डाउन कर देंगे, ये तो लॉक कर दिया है। मज़ा आ रहा है चीज़ें करने में, थोड़ा सा तो देखो होता ही है, प्रॉब्लम आती ही आती हैं। जब हम घर पे खाली बैठे रहते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम आती है, यार चीज़ें वो हो रही हैं थोड़ी, क्यों ऊपर नीचे होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, बढ़िया मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये एक झूठ होगा, ये एक सरासर झूठ होगा। क्योंकि जब आप 11 बजे से आके शॉप से 7 बजे घर जा रहे हो, बीच में एक चक्कर भी आपका घर का नहीं लग रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कुछ चीज़ें मिस होती हैं, ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, तो बस होते हो जाती हैं, बाद में मैनेज करते हैं उन चीज़ों को। अच्छी बात यह है कि मेरे साथ साथ सभी लोग मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो मेरे दोनों बच्चे हों, खुशी हो या फिर विपिन हो, सब मैनेज कर रहे हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत इस वजह से मुझे नहीं महसूस हो रही है। चीज़ों का तो मुझे पता चल जाता है, अच्छा यार ये नहीं हुआ, चलो यार कल होगा, चीज़ें भूल जाती हूँ, घर का सामान मंगाना है भूल जाती हूँ। ये तो पता चल जाता है, पक्के हो रहे तुम तो यार। ये कब सीखा तुमने? ये अपने आप हैं, ठीक है, बाय 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 बाय।
ठीक है बाय बाय। ये लगेगा ना सब बाय। लाइट जला लो अंदर की। जय हनुमान। कर दूं मैं पिन? हाँ पहले वो गियर लीवर डाउन करो बीच में। मैं नहीं कर रही। बना बना चला चला। चला ले। तो मैं गाड़ी चलाने लगी थी कि चलो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें घर। खुशी वो कर रही थी, मजाक कर रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो गाड़ी तो मैंने चलाई है एक टाइम पे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर गाड़ी वाड़ी छोड़ दी थी मैंने, वरना मैंने पूरे अच्छे से ड्राइविंग सीख ली थी। और अगर मैं चलाती रहती, क्योंकि कोई काम आप करते रहते हो ना तो आप उसमें पक्के हो जाते हो, लेकिन फिर वो बीच में इतने साल छूटी प्रेगनेंसी के बाद, फिर मैंने हाथ नहीं लगाया। तो अभी जो है घर आई, घर आने के बाद फिर जो है रोटी वगैरह बनाने का काम शुरू हुआ। एकदम तो नहीं, आई बैठी, चेंज किया, बच्चों से बात बात की, फिर उसके बाद खाने का शुरू हुआ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे अगर व्लॉग बनाया तो, नहीं तो परसों मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं।